हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर के आ गए हैं फरवरी महीने के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर 2021 का आएगा करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई वुड परचेज फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अमाउंट 20,000 करोड़ थ्रू विच ऑपरेशन। आरबीआई ने चार सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद किस ऑपरेशन के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए की होगी। तो रिवर्स रेपो, रेपो, ऑपरेशन स्वैप, ओपन मार्केट किसके माध्यम से होगा। तो आप राइट आंसर सेलेक्ट करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन ओपन मार्केट के तहत 20,000 करोड़ रुपए की खरीद होगी। तो चलिए इसमें आंसर हो गया डी। और जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ के तहत 20,000 करोड़ रुपये की चार सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए तैयार है। इस कदम के पीछे का मकसद प्रतिभूतियों पर उपज को कम करना है, जो कि हाल में 6.163 यहाँ पर देख सकते हैं परसेंट की इंट्रा डे हाई पर पहुंच गया है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टमेंट ऑफ आरएस 400 करोड़ इज टू बी मेड इन विच यूनियन स्टेट या यूटी टू मेक इट्स फिशरीज हब। 400 करोड़ रुपए का निवेश किस केंद्रीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाना है ताकि इसे मत्स्य हब बनाया जा सके। तमिलनाडु, गोवा, केरल, उड़ीसा। तो वह होगा हमारा राज्य होगा गोवा राज्य। गोवा राज्य को 400 करोड़ रुपयों का निवेश मिलेगा किसके लिए, मत्स्य हब यानी कि फिशरीज हब के लिए। केंद्रीय मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा राज्य के लिए 400 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की है। इस निवेश का उद्देश्य तटीय राज्यों को देश में मत्स्य पालन केंद्र बनाना है। यह कहा गया है कि 400 करोड़ रुपए में से 4.4 करोड़ रुपए का निवेश केंद्र सरकार से राज्यों को पहले ही स्वीकृत हो चुका है। तो मत्स्य योजना से रिलेटेड गोवा यहाँ पे है 400 करोड़ रुपया। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कैप्ड द अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड इन ऑयल टू 3% फॉर 2021 इन इंडिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि किस संगठन ने भारत में 2021 के लिए तेल में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा 3% तक बढ़ा दी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, AIIMS ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने वर्ष 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा 3% तक कर दी है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। विच स्टेट इन इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड 16 डिजिट यूनिक कोड सिस्टम फॉर लैंड आइडेंटिटी। भारत में किस राज्य ने भूमि की पहचान के लिए 16 अंकीय यूनिक कोड प्रणाली शुरू की है। तो 16 डिजिट का अंक मिलेगा अपने लैंड को पहचानने के लिए। आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो किस सरकार ने लॉन्च किया है, तो यह क्या उत्तर प्रदेश ने। राइट आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग का चिन्हित करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड आवंटित करने की प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि यूपी में जमीन का हर टुकड़ा यूनिकोड को वहन करेगा और इसीलिए विवादों को रोकने का मार्ग प्रशस्त करेगा। साथ ही इससे धोखाधड़ी वाले भूमि लेन देन को रोकने की उम्मीद है। इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड स्टेट्स कम आउट ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से किस वर्ष बाहर आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ
मानवाधिकार परिषद से किस वर्ष बाहर आया था? 2014, 2016, 2018, 2020। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 2018 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने 2018 में इजराइल पर अपने असुरक्षित ध्यान का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया। और हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों ने घोषणा की कि जो बाइडेन प्रशासन यह घोषणा करने के लिए तैयार है कि देश UNHRC में फिर से शामिल होगा। औपचारिक घोषणा के बाद पूर्ण सदस्य बनने में भी यूएन निकाय में एक पर्यवेक्षक की भूमिका में वापस आ जाएगा। एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA लेटेस्ट रिपोर्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन एनर्जी कंजप्शन? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा खपत में भारत की स्थिति क्या है? प्रथम है, तीसरा है, पांचवा है, सातवां है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा खपत में भारत की स्थिति तीसरा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 2 दशकों में भारत की ऊर्जा में 25% की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। राष्ट्रीय नीति परिदृश्य के अनुसार भारत की ऊर्जा खपत 2040 तक 8.6 ट्रिलियन को छू सकती है। India signed a memorandum of understanding with which country to build the Lalandar ya Satut Bandh dam? ये कहाँ पर है? तो भारत ने किस देश के साथ Lalandar ya Satut Bandh बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो ये क्या है? अफगानिस्तान के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के साथ डैम बनाएगा भारत और उसका नाम क्या है? Lalandar ya Satut डैम। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान के साथ Lalandar ya Satut बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके अफगान समकक्ष ने हस्ताक्षर किए। इस बांध में काबुल शहर के लगभग 2 मिलियन लोगों को जलपूर्ति होने की उम्मीद है। यह बांध आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई का पानी भी प्रदान करेगा। यह फ्रेंडशिप डैम सलमा बांध के बाद अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाया जा रहा दूसरा बांध है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। यह दूसरा बांध है, इससे पहले भारत ने सलमा बांध भी बनवाया था। What is the stake of central government in Tata Communication which is to be divested? Tata Communications में केंद्र सरकार की क्या हिस्सेदारी है जिसे विभाजित किया जाना है? तो यहाँ पे देखिए 10% है, 26.12%, 49%, 51%। तो राइट आंसर होगा 26.12%। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में अपनी संपूर्ण 26.12 हिस्सेदारी बेचेगी। इस हिस्सेदारी खरीदने के लिए कुछ शीर्ष लोगों सहित 11 व्यापारी, बैंकर, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के समक्ष उपस्थित होंगे। TCL को पहले BSNL के रूप में कहा जाता था, प्रबंधन हस्तांतरण के साथ विभाजित होने से पहले। Which Indian state that topped the list of beneficiaries of Ayushman Bharat योजना as of 2020? भारत के किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में 2020 तक शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह कौन सा राज्य है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक? तो यह राइट आंसर है तमिलनाडु। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने में नंबर 1 पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2018 के बाद इतना आपका इतना करोड़ रुपए का इलाज करवाने वाले लगभग 25 लाख लोगों के साथ लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। यह 4 फरवरी को इस योजना के तहत इतना करोड़ रुपए की लागत से 1.6 करोड़ अस्पताल के प्रवेश थे और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश और गुजरात का स्थान है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों के प्रति
परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य आश्वासन कवर प्रदान करना है। तो पहले रैंक पे कौन सा है आयुष्मान भारत को सक्सेसफुल बनाने में, तमिलनाडु, दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पे गुजरात। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। Soyuz 2 carrier rocket is the flagship launch vehicle of which country? Soyuz 2 वाहक rocket किस देश का प्रमुख प्रक्षेपण यान है? बहुत important question है, आने वाले एग्जाम में आपको ये सारे सारे देखने को मिलेगा। चीन, रूस, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। Soyuz 2 रूस का एक प्रमुख 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है जो उपग्रहों को कम पृथ्वी की कक्षा में रखता है। यह Soyuz रॉकेट का आधुनिक रूप है। हाल ही में योजना की गई थी कि देश ने Soyuz 2 रॉकेट का उपयोग करते हुए 12 से अधिक देशों के लगभग 40 उपग्रहों को लॉन्च करने का योजना बनाई है। इसमें दक्षिण कोरिया का कैस 501 भी शामिल है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको पसंद आया होगा और मैं डेली लेकर के आ रहा हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।